नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एस एन वाणी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाउन एंड देन नंबर, यानी आज हम नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं वचन, क्या कहते हैं वचन, तो देखते हैं नाउन नंबर यानी वचन। तो इफ़ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज ही कॉल्ड नंबर, यानी अगर एक संज्ञा एक या एक से अधिक के बारे में बताती है तो उसे क्या कहते हैं, बस वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे एक के बारे में बताती है, जैसे ए बॉय, तो ये क्या हुआ, एक के बारे में बता रही है, ए गर्ल, ए पेन, ए टेबल, ओके। और अगर ये एक से अधिक के बारे में बताती है, जैसे बॉयज, तो यहाँ बॉयज से प्रदर्शित होता है कि क्या एक से अधिक है, गर्ल्स ये भी एक से अधिक है, पेन ये भी एक से अधिक है, टेबल से भी एक से अधिक है, यानी मोर देन वन। और यहाँ क्या है, ये केवल एक है, यानी ओनली वन। अब बात करते हैं काइंड ऑफ नंबर, यानी काइंड्स ऑफ नंबर यानी वचन के प्रकार। तो वचन के प्रकार देखो, वचन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। यानी सिंगुलर नंबर यानी होता है एक वचन, प्लूरल नंबर यानी होता है बहुवचन। अब हम बात करते हैं सिंगुलर नंबर की। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, देखना थोड़ा सा। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज ए कॉल्ड सिंगुलर नंबर। यानी अगर नाउन क्या होता था, केवल एक के बारे में हमें बताता है, उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं, जिसमें हमें केवल एक का ही बोध होता है। कहने का मतलब, जिसमें हमें क्या होता है, एक का ही बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, हमें सिंगुलर नंबर कहते हैं, यानी एक वचन कहते हैं। जैसे ए स्टूडेंट यानी एक छात्र, ए वुमेन यानी एक औरत, ए गर्ल यानी एक लड़की, ए बॉय यानी एक लड़का। तो इसमें किसका बोध आ रहा है, एक का ही बोध हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं आगे, देखो थोड़ा प्लूरल नंबर की। प्लूरल नंबर, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। ध्यान देना क्या करा, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, यानी जो संज्ञा क्या करती है, एक से अधिक के बारे में बताती है, यानी एक से अधिक का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं, यानी बहुवचन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यानी एक से अधिक छात्र हो गए, ये वुमेन, यहाँ देखना वुमेन में WOMAN है, और यहाँ देखना MEN है, यानी ये इसका क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। तो ये क्या है, एक से अधिक औरत है। इस पर मैं आपको बताऊँगा, इनको हम जो चेंज करते हैं सिंगुलर इंटू प्लूरल, यानी सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं, तो उसके कुछ रूल होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी देखते हैं। देखो, रूल्स फॉर चेंजिंग ए सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर, यानी सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के नियम, परिवर्तन करने के नियम देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे यानी सामान्यतः किसी भी संज्ञा है, उसके लास्ट में अंत में क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं, उसको क्या बना दिया जाता है, बहुवचन बना दिया जाता है, यानी प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे देखते हैं, सिंगुलर जैसे फैन, तो प्लूरल क्या हो गया, फैंस, शर्ट शर्ट्स, काउ काउज, हॉर्स हॉर्स, पेन पेन्स, चेयर चेयर्स, फ्रेंड फ्रेंड्स, डॉग डॉग्स, बुक बुक्स, फार्मर फार्मर्स, यानी ऐसे लगे अंत में कहने का मतलब ये है। अब रूल नंबर सेकंड देखते हैं, रूल नंबर सेकंड कहता है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस डबल एस 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 सी एच एक्स और जेड हो, तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मैं पिछले वीडियो में जब हमने पढ़ा था नाउन के बारे में, तो हमें ये कि इसका प्रकार जो हमने पढ़ा था, कॉमन नाउन एक प्रकार पढ़ा था, कॉमन नाउन यानी क्या होता है, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा, तो सिंगुलर होनी चाहिए। तो उसको हम क्या करेंगे, किसी सिंगुलर के लास्ट में कुछ हो तो उसको क्या बताया जाता है कि अंत में, लास्ट का मतलब अंत में लेटर यानी अक्षर हो, कौन कौन से अक्षर, एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और जेड, तो ये आपको अंत में मिले, तो क्या लिखते हैं, ई एस जोड़कर हम प्लूरल यानी बहुवचन बनाते हैं। ओके देखते हैं, बस तो ई एस जोड़ दिया, बसेज गैस गैसेज, क्लास क्लासेज, ग्लास ग्लासेज, डिश डिशेज, बुश बुशेज, टोपाज टोपास, मैच मैचेज, बेंच बेंचेज, बैच बैचेज, ब्रांच ब्रांचेज, बॉक्स बॉक्सेज,
टेक्स्ट टेक्सचर्स क्विज क्विज, यानी ये क्या हो गया, आपको ध्यान देना सभी में क्या लगाया है, ईएस लगाया है। ओके, अब रूल नंबर जो थर्ड है वो क्या कहता है, थोड़ा सा उसको देखो ध्यान से। रूल नंबर जो थर्ड है वो अपना कहता है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इस रूल को दोबारा देखना, क्या कह रहा है कि कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन हो लेकिन उसके जो लास्ट लेटर, उसका जो लास्ट लेटर है यानी जो अंतिम अक्षर है वो क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। और एक कंडीशन और दे रहा है, ये कंडीशन तो यही, और उससे पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन। अब मैं आपको यहाँ थोड़ी सी एक चीज़ समझा देता हूँ, कॉन्सोनेंट और वोवल होते क्या है। देखो अंग्रेजी में वोवल होते हैं पाँच, कौन कौन से, ए आई ओ यू, ये पाँच क्या है, वोवल है। और इनके अलावा जो बच गए हैं 21, वो क्या बचे, कॉन्सोनेंट बचे। देखो अल्फ़ाबेट जो अपनी ए बी सी डी अल्फ़ाबेट है उसमें टोटल जो लेटर होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो होते हैं 26, यानी 26 होते हैं। 26 में से पाँच क्या हो गए, वोवल हो गए यानी स्वर हो गए, तो पीछे कितने बचे, 21 बचे। तो 21 क्या कहलाए, कॉन्सोनेंट कहलाए यानी व्यंजन कहलाए। तो पाँच वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, और इनके अलावा जो बच गए वो क्या कहलाए, कॉन्सोनेंट। तो अब आगे देखते हैं, अब आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से बच गए हैं, जैसे बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एस है, जे है, के है, एल है, एम है, एन है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई और जेड है। ये है अपनी क्या है, कॉन्सोनेंट। चलो अब क्या करना है, तो ये दो शर्त हमेशा याद रखना, इस प्रकार के जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने आते हैं उसमें आपको एक तो लास्ट में वाई होना चाहिए, वाई से पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो वाई को टकरा आई एस लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट नहीं है, मान लो वोवल है, तो क्या करोगे, तो केवल आपको एस लगाना है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको, देखना। तो सिंगुलर से प्लूरल में लेडी, तो लेडीज में डी है क्या है, वाई है अंत में, चल कोई दिक्कत नहीं वाई है, लेकिन वाई से पहले क्या है, देखो डी है, डी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो डी को हटा कर क्या लगा दिया, आई एस लगा दिया। सेम इसी प्रकार है सारे, सी टी एस, सी टीज, आर्मी आर्मीज, सेक्रेटरी सेक्रेटरीज, नर्सरी नर्सरीज, स्टोरी स्टोरीज, बेबी बेबीज, फ्लाई फ्लाईज, ड्यूटी ड्यूटीज, सिक्योरिटी सिक्योरिटीज, सैलरी सैलरीज, है ना। देखो आगे, अब मैंने बताया था दूसरा जो रूल है, लेकिन यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर यानी अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले क्या हो, वोवल हो, आ गई अपनी बात, तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे टो है, टो के टोइज, बो के बोइज, यहाँ बोइज को तो नहीं लिखा है, लेकिन बो का भी क्या होता है, बी ओ वाई, तो वाई के पहले ओ होने के कारण क्या लिखेंगे, एस ही लगाएंगे बोइज। ओके, वेली है, मंकी है, तो मंकीज, वेली का वेलीज, रे का रे, डे का डेज, डंकी का डंकीज, की का कीज। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं रोल नंबर 5। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर सी एच हो तथा सी एच का उच्चारण कै हो, ध्यान देना एक चीज और बता रहा है, वहां जो हमने सी एच पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, जो हमने रूल नंबर सेकंड पढ़ा था, ये देखना थोड़ा सा, इसमें भी हमने सी एच पढ़ा था, लेकिन इस सी एच का हमने क्या अर्थ पढ़ा था, चह पढ़ा था। देखो ये रहा मैच, बेंच, बैच, ब्रांच, तो चय पढ़ा था, लेकिन यहाँ इसका उच्चारण क्या बता रहा है, ध्यान देना, कै हो तो सिर्फ एस लगा के जरूर बनाया जाता है। तो देखना क्या लिख रखा है, मोनार्क यानी सम्राट होता है, तो इसके केवल एस लगाया है। इसी प्रकार स्टोमक, स्टोमक यानी होता है पेट, स्टोमक यानी क्या होता है, पेट, स्टोमक के भी क्या लगाया है, एस लगाया है, तो इसका अर्थ यहाँ क्या निकला, उसका उच्चारण क्या निकला, कै निकला। अब आगे हम बात करते थे यहाँ रोल नंबर 6 की, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब ध्यान देना, अंतिम अक्षर सिंगुलर कॉमन नाउन है यानी संज्ञा है, जो जातिवाचक संज्ञा है, सिंगुलर यानी एक वचन जातिवाचक संज्ञा का जो अंतिम अक्षर है, और क्या है, ओ हो, और ओ के पहले क्या हो, व्यंजन हो, तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे पोटेटो, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ओ के आगे क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, तो पोटेटो, बफेलो, बफेलोज, निग्रो, निग्रो। अब निग्रो क्या होता है, देखो निग्रो एक जो अफ्रीका अपना है देश, उसमें एक निग्रो जनजाति है जो काले लोग जो होते हैं, उसे निग्रो का होता है काला, लेकिन वो वहाँ क्या है, जनजाति का नाम भी क्या है, एक निग्रो है। ओके, मास्किटो यानी मच्छर होते हैं, मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र, तो इनके देखना आप क्या लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है ई एस, ध्यान देना, ओ तो है अंतिम अक्षर, लेकिन उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, टी है,
तो यहाँ क्या है, एल है, यहाँ क्या है, आर है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। ये देखो एस्किमो, एस्किमो क्या होती है, जो उत्तरी ध्रुव में जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पाई जाने वाली एक जनजाति का नाम है एस्किमो। ओके, तो इसके भी ई एस लगा हुआ है। ग्रोटो यानी गुफा, इसमें भी देखो क्या लगा है, ई एस लगा हुआ है। टोमेटो, मैंगो, हीरो, मोटो यानी मोटा यानी होती है कहावत, कहावत। वोल्कनो यानी ज्वालामुखी। ओके, मोमेंटो यादगार। विटो, टर्नाडो, टर्नाडो यानी होता है बवंडर, चक्रवात जिसको बोलते हैं। तो देखना इसमें सभी में क्या लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है, क्योंकि ओ तो आ रहा है लेकिन उससे पहले भी क्या आ रहा है, टी जी आर टी एन टी टी डी, ये क्या है, कौन सा नियंट है, इसलिए लगा हुआ है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा आगे। रूल नंबर 7, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन हैं जिनके, ध्यान देना, लास्ट में क्या है, ओ रहता है और ओ के पहले कौन सा नियंट भी रहता है। देखो यहाँ एक अपवाद है जो उभर के आया, थोड़ा सा देखना क्या कह रहा है, कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके लास्ट का, जिनका अंतिम अक्षर है वो ओ रहता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, उसमें सिर्फ एस ही जोड़ा जाता है और उसके बाद उसे क्या बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं, जैसे फोटो, तो ओ है, ओ से पहले टी है, टी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें क्या लगा है, एस लगा है। फोटोज, किलो, किलोज, कैंटो, कैंटोज, डायनमो, डायनमोज, कमांडो, कमांडोज, पियानो, पियानोज। ओके, तो ये देखो इसमें क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो ये कुछ अपवाद हैं। ओके, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 8। हर चीज़ हम साथ लेके चल रहे हैं। ओके, नोट, कुछ एक नोट दिया है, इससे पहले वो नोट देख लेते हैं, यानी कुछ एक जो अपवाद है उसके बारे में, कुछ और भी है इसमें। कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन है जिनके लास्ट में ओ रहता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन इनका प्लूरल एस या यस जोड़कर बनाया जाता है, यानी इसमें दोनों जुड़ते हैं, एस भी जोड़ दोगे तो भी सही है और यस जोड़ दोगे तो भी सही है। जैसे कार्गो यानी जहाज पर लदा माल, कार्गो, तो उसका एस भी जोड़ दिया और यस भी, यानी अगर एस जोड़ोगे तो भी सही है, यस जोड़ोगे तो भी सही है। ये क्या है, लासो यानी आपका फंदा डालकर पकड़ने का एक रस्सा है, इसमें एस और यस दोनों जोड़े हैं। इसी प्रकार आपका वर्टिगो यानी द्वार मंडप, इसमें भी आपको एस या यस दोनों जोड़ोगे तो सही है। देखो आज इसी प्रकार रूल नंबर 8 देखते हैं अपनी, तो इसमें जो रूल नंबर 8 है वो इसी पर आधारित है, लेकिन इसमें एक चीज़ है ध्यान देना है, अब तक हम कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम इसमें पढ़ेंगे वोवल के बारे में, देखेंगे कैसे। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर यानी अंतिम अक्षर क्या हो, ओ हो, और ओ के पहले क्या हो, वोवल हो, क्या हो, वोवल, तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बम्बू, बम्बू यानी होता है बांस, तो बम्बू की क्या लगा दिया, एस। अब ओ है, ओ से पहले ओ है, तो दो डबल ओ हो गए, तो एक ओ क्या हो गया इसमें, आपका वोवल हो गया। ओके, इसी प्रकार कुकू यानी कोयल, तो इसमें भी एस लगा है। जू यानी चिड़ियाघर, इसमें भी क्या एस लगा है। इसी प्रकार रेशियो यानी अनुपात, तो रेशियो, इसमें भी एस लगा है। स्टूडियो, स्टूडियो में भी पहले क्या है, आई है, तो आई क्या है, वोवल है, तो एस लगा है। इसमें भी क्या है, फोलियो यानी आपका ये क्या है, पन्ना जिसको बोलते हैं, हीरा पन्ना, इसमें भी आई है तो क्या लगेंगे, एस लगेगा। वीडियो, इसमें भी ई है तो क्या है, वोवल है, तो क्या लगेगा, एस लगेगा। रेडियो, इसमें भी आई है तो पहले क्या लगेगा, आपको ओ से पहले आई है यानी वोवल है, तो एस लगेगा। ओके, तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, देखने के लिए धन्यवाद, और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।